चंद पूंजीपतियों के लिए जिनका लाखों करोड़ रुपए बैंक का कर्जा माफ किया गया, यह किसके लिए मान्यवर? आपने कहा चुनाव के दौरान, हमने एक भाषण और सुना मान्यवर, कि आपकी संपत्ति लेके ये भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। अरे संपत्ति कौन कौन लेके भागा है ये तो सर्वविदित सत्य है। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। ये कौन है, ये कौन है बड़े बड़े पूंजीपति? और मान्यवर दूसरे सदन में इनका दिया गया जवाब है, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, तो उसके बारे में मेरे साथ ये बहस कर सकते हैं, जो प्रस्ताव लाना हो ला सकते हैं। ये सर्वविदित सत्य है, मैं आपको बता रहा हूं मान्यवर, 3,53,000 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के, 3,53,655 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के नाम पे 43 कंपनियों का माफ किया गया, 43 कंपनियों का। इसका रिकॉर्ड आपके सामने मैं रख दूंगा। मान्यवर संपत्ति आप कहां पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं, किस लिए आप काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये पूरे देश को जानना चाहिए। आपने रेलवे की उन्नति की चर्चा की है, वंदे मेट्रो की चर्चा की है। हमारे एक मित्र कह रहे थे ट्रेन में सफर, मैं शायद ट्रेन में भी सफर किया हूं, रोड से भी सफर किया हूं, इतना सफर किया हूं कि उसके आंकड़े जब सामने आएंगे तो वो एक गाथा लिखी जा सकती है उस पर। ट्रेन में सफर करने वालों की हालत आज क्या है, इंसान को भूसे की तरह भर के एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है मान्यवर। लखनऊ में उतरिए, वहां पर कुली मिले मुझे मान्यवर, उनके लिए एक वादा किया था बहुत पहले, और आप एक उदार हृदय के व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जानी चाहिए। कुलियों को वादा किया इस सरकार ने कि आपके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, कुलियों को वादा किया वर्दी दी जाएगी, तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। उनका ज्ञापन मेरे पास पड़ा हुआ है, आज भी उनकी मांगों के बारे में कोई सुना नहीं। आपने इस देश के नौजवानों के साथ क्या किया, पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, गुजरात में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक, 2 साल में 70 पेपर लीक हुए मान्यवर, 70 पेपर लीक। इस देश के नौजवानों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया, 2 करोड़ छात्रों और नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई पेपर लीक के कारण। कौन जिम्मेदार है उसके लिए, कैसे कार्रवाई होगी? आप कमेटियां बनाते हैं, एनटीए जो एग्जाम करा रहा है, मैं ये मांग करता हूं आपके माध्यम से उस एनटीए के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, और उन लोगों की जांच कराकर जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए, और एनटीए को भंग कीजिए मान्यवर, क्योंकि बार बार जब जब एनटीए एग्जाम करा रहा है पेपर लीक हो रहा है, यह बड़ा सवाल है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए।